थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट्स करते हैं आज, फिर कल करेंगे बाकी। ठीक है। यहाँ पे अब ध्यान दो, सेल रेफरेंसिंग समझते हैं, फिर हम लोग बाकी सारा फंक्शन सीखेंगे। सेल रेफरेंसिंग, जो ये मेरा सेल का नेम यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है ना, H14, दिस इज एब्सोल्यूट, दिस इज रिलेटिव रेफरेंसिंग। रिलेटिव रेफरेंसिंग का क्या मतलब है? सिंपली बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस जो होते हैं वो हम लोग एक्सेल में परफॉर्म कर सकते हैं। क्या हो गए? सपोज कोई भी फंक्शन टाइप करने के लिए इक्वल टू से स्टार्ट करना होता है मुझे, तो इक्वल टू से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कोई भी फंक्शन कुछ भी टाइप करने के लिए मुझे इक्वल टू से स्टार्ट करना पड़ेगा, तो इक्वल टू 8 प्लस 6। ठीक है, एंटर किया, आंसर आया 14। आया बेसिक कैलकुलेटर में जो जो फंक्शंस यूज होते हैं वो सारा यहाँ पे होता है। प्लस हो गया, सिंपली तुम लोग माइनस कर सकते हो। सबके लिए क्या यूज़ करना पड़ेगा? इक्वल टू। इक्वल टू नहीं यूज़ करोगे तो एक्सेल को नहीं पता चलेगा कि तुम लोग कोई फंक्शन टाइप करो। जिस मोमेंट पे आई एम टाइपिंग दिस इक्वल टू का साइन, एक्सेल को पता चल जाएगा कि आई एम गोइंग टू टाइप अ पर्टिकुलर फंक्शन और अ पर्टिकुलर फॉर्मूला। एंड नॉर्मली इफ़ यू टाइप एनीथिंग, तब ये एज अ, देखो ये क्या है, लेफ्ट अलाइंड है, एज अ टेक्स्ट स्ट्रिंग, एज अ कैरेक्टर स्ट्रिंग एक्सेल ने इसे इनपुट किया। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे बीच में प्लस का साइन यूज़ किया। ठीक है, तो इसे इसे एज अ कैरेक्टर स्ट्रिंग एक्सेल इनपुट कर रहे हैं, तो इसीलिए लेफ्ट अलाइन हो गया। तो इसीलिए मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा? हमेशा इक्वल टू का साइन। 7 इंटू के लिए हम स्टार यूज़ करते हैं, इंटू 5, 7 इंटू 5 7। टू दी पार के लिए वी यूज दिस सिंबल, टू दी पार। सबको मिल रहा है ना कहाँ पे है टू दी पार? 6 के ऊपर है, Shift 6। मिल रहा है ना सबको? तो सिंपली सारा डिवीजन के लिए क्या यूज होता है? 7। एनी आइडिया बोलो डिवीजन के लिए? स्लैश। ओहो, फॉरवर्ड बैकवर्ड, ये नहीं, ये वाला यूज़ करना है, ये वाला ही यूज़ करना है। इसको क्या बोलते हैं? बैकवर्ड स्लैश, दिस इज फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है, एकदम बेसिक, ये एकदम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हो गया जो हम लोग ने यूज़ किया, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टार, फॉरवर्ड स्लैश एंड मेरा टू दी पावर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम सेल रेफरेंसिंग समझते हैं ये यूज़ करके। ये जो मैंने यहाँ पे 8 प्लस 6, 8 लिखा एक सेल में, 6 लिखा एक सेल में। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, व्हाट आई कैन डू इज 8 वाला सेल सेलेक्ट किया, प्लस 6 वाला सेल सेलेक्ट किया, एंटर, आंसर क्या आ रहा है? 14। ऐसे भी कर सकते हैं ना हम लोग, इंस्टेड ऑफ टाइपिंग 8 एंड 6 आई कैन सेलेक्ट द सेल। तो वो जब वो सेल सेलेक्ट करते हो तब क्या हो जाते हैं, वो सेल का आउटपुट आ जाते हैं। जो मैंने देखा था व्हेन आई वाज टाइपिंग इक्वल टू नेम, तो उसमें शिवांगी लिखा हुआ था तो वो आउटपुट आ जा रहा था। तो यहाँ पे सिंपली व्हाट आई एम डूइंग, G4 सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसका आउटपुट सिलेक्ट हो जा रहा है, G5 सेलेक्ट करें तो उसका आउटपुट आ जा रहा है, एंड मेरा फाइनल आउटपुट इज 14। सिंपल। ठीक है, ये समझ में आया? अब यहाँ पे ध्यान दो, ये जो सेल है G6, ये जो सेल है G6, यहाँ पे मैंने क्या यूज़ किया है? G4 प्लस G5 यूज़ किया है ना मैंने, किया है ना? तो क्या होता है जब हम इस फंक्शन को ड्रैग करते हैं नीचे की तरफ, नीचे रो वाइज जब हम ड्रैग करते हैं तो क्या हो जाता है दिखना? यहाँ पे मैंने क्या लिखा था? G4 प्लस G5। प्लीज़ सब लोग यहाँ पे देख लो, फिर खुद से करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। G4 प्लस G5 सिलेक्टेड है, राइट? जब हम इस वाले सेल में गए क्या हो गया? G5 प्लस, पहले क्या था? G4 और G5 था, अभी क्या हो गया? G5 एंड G6। क्या हुआ है?
एक एक सेल्स नीचे आए, 4 का 5 एंड 5 का 6, तो क्या कॉन्सेप्ट है? जब कोई भी फंक्शन को नीचे की तरफ ड्रैग करोगे, नीचे की तरफ ड्रैग करोगे तो क्या होते जाएगा? एक एक सेल्स नीचे सिलेक्ट। अब ये वाला क्या हो गया देखना, G6 और 7, 5 और 6 था, 6 और 7 हो गया। जो मेरा रोज है वो एक एक नीचे होते जाते हैं। क्लियर हो रहा है? क्या हो रहा है? जब ड्रैग कर रहे हो तो जो रोज है वो नीचे होते जा रहे हैं। ठीक है, सिंपली तुम लोग मेरे को बताओ बिना सोचे बिना किए कि अगर राइट ड्रैग करोगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या था, G5 एंड G6 था ना, अभी क्या हो गया, H5 और H6। नीचे ड्रैग कर रहे हैं तो सेल्स नीचे, रोज नीचे जा रहे हैं, राइट ड्रैग करोगे तो कॉलम्स राइट जाएगा, है ना? 5 और 6 वही है, 5 और 6 वही है, देख लो यहाँ पे भी 5 और 6 है, दिख रहा है ना सबको क्लियरली, 5 और 6 वही है, पर क्या हो जा रहे, जी से एच हो जा रहे, वाई, बिकॉज यू आर ड्रैगिंग इट राइट। सेम चीज़ अब तुम लोग बोल सकते हो, ऊपर ड्रैग करने का ऑप्शन आते हैं क्या? आते हैं। ये देखो ये सेल है मेरा, यहाँ पे कर्सर लेके जाओगे तो एक प्लस साइन आ जाएगा, दिख रहा है सबको? प्लस साइन दिख रहा है सबको? तो इसी प्लस साइन को नीचे ड्रैग कर सकते हो, इसी प्लस साइन को देख लेना एक बार सब लोग, यहाँ पे इसी प्लस साइन को ऊपर ड्रैग कर सकते हैं, इसी प्लस साइन को ऊपर ड्रैग किया मैंने, दिख रहा है सबको? एंड इसी प्लस साइन को लेफ्ट ड्रैग किया मैंने, तो राइट लेफ्ट ऊपर नीचे सब जगह ड्रैग कर सकते हैं। ड्रैग करने से फंक्शन कॉपी हो जाएगा, पर क्या चेंज हो जाएगा? जब राइट ड्रैग करोगे तो कॉलम नेम चेंज हो जाएगा, जी से एच हो गया, नीचे ड्रैग करने से 5 से 6 हो गया, लेफ्ट ड्रैग करने से जी से क्या हो जाता है, ये एफ हो जाता, ऊपर ड्रैग करने से 6 का क्या हो जाता, 5। ठीक है, एक सेल ऊपर चला जाता है, एक सेल नीचे आ जाता है अकॉर्डिंगली। अब सपोज मुझे क्या करना है, अब मुझे चाहिए कि नहीं, आई वॉन्ट टू फिक्स, अब मुझे करना है कि मुझे 8 और 6, ये मेरा जो रेफरेंसिंग किया है मैंने यहाँ पे, जो मैंने G4 और G5 सिलेक्ट किया है, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव रेफरेंसिंग। रिलेटिव क्यों? चेंज होते रहेगा, ऊपर जाओगे तो चेंज होगा, नीचे आओगे, राइट जाओगे, लेफ्ट जाओगे, चेंज होगा। मुझे क्या करना है, मुझे करना है कि मेरा ये दोनों सेल फिक्स्ड रहे, G4 का G4 ही रहे, G5 का G5 ही रहे, ताकि जब भी हम नीचे राइट लेफ्ट कहीं पे भी ड्रैग करें ये हमेशा यही होना चाहिए। तो क्या करते हैं इसके लिए, एक शॉर्टकट है FNF4, FNF4 बेसिकली, देखना अगर तुम लोग का FNF4 नहीं वर्क हो रहा है तो F4, खाली F4 वर्क करेगा। सिंपली क्या करना है, कर्सर को G5 के राइट में लेके जाना है, FNF4 या फिर F4 प्रेस करोगे तो डॉलर साइंस ऐड हो जाएंगे, जी के पहले एंड फोर के पहले, ट्राई करना। डेल वाले लैपटॉप्स में F4 करना होता है, HP में FNF4 करना पड़ेगा। आएगा, ठीक है, हम देख रहे हैं। क्या नहीं आ रहा है FNF4? डॉलर साइन नहीं आ रहा है FNF4 करने से? FN नीचे कंट्रोल का एक बटन है उसके बगल में, FN, FN इज अ फंक्शन की, तो ऊपर में जो फंक्शन नंबर्स होते हैं FN, FN, F1, F2, उसके लिए वी यूज़ FN। अब आया FNF4? हाँ, तो दूसरे के बगल में लेके जाओ, दूसरे के लिए वापस करना पड़ेगा। आया क्या अभी सबका? आया, देख रहे तुम्हारा आया अभी सबका, तुम्हारा तुम्हारे में F4 करने से आएगा आई गेस, ट्राई करो। तुम्हारा कौन सा लैपटॉप है, आ रहा? नहीं से, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ FNF4 से आएगा। हाँ आया,
डॉलर साइंस भी ऐड कर सकते हैं। डॉलर साइन कहाँ होते हैं? ये फोर के साथ होते हैं, तो शिफ्ट फोर। अगर एफ एन एफ फोर एफ फोर किसी से ही नहीं आ रहा तो डॉलर साइंस ऐड करना पड़ेगा, पर आना चाहिए। आई विल चेक कि क्यों नहीं आ रहा, आना चाहिए। बाकी सबके में आया? डेल के लिए F4। शिफ्ट फोर, फोर पे होता है ना डॉलर का साइन। आया सबका अभी? एक बार के लिए अगर नहीं आ रहा तो यहाँ पे ध्यान दो, मैं देखती हूँ फिर क्यों नहीं आ रहा किसी किसी का जिसका नहीं आ। अब देखना यहाँ पे प्लीज़ एक बार, सब लोग यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो सब लोग। मैंने क्या किया, G4 और G5 के पहले डॉलर साइंस लगा दिए। डॉलर साइंस लगाने का मतलब मैंने अपने रिलेटिव रेफरेंसिंग को एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग कर दिया। तो क्या होगा, अब इसको जब हम लोग नीचे ड्रैग कर रहे हैं तो भी आंसर 14 आ रहा है, इसको जब राइट ट्रैक करें तो भी आंसर 14 आ रहा है। इसका क्या मतलब है, यहाँ पे देखना क्या आ रहा है, G4 एंड G5, G से H नहीं चेंज हुआ। सिमिलरली यहाँ पे भी G4 G5 है, 4 से 5 नहीं हुआ, 5 से 6 नहीं हुआ। वाई? बिकॉज आई यूज एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग, डॉलर साइंस मैंने यूज़ किया, इसीलिए राइट ट्रैक करने से भी चेंज नहीं हुआ एंड नीचे ट्रैक करने से भी चेंज नहीं हुआ। तो बेसिकली क्या होता है कॉन्सेप्ट, कि ये जो डॉलर साइन है, दिस रिप्रेजेंट्स द एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। ये अगर तुम लोग डाल दोगे तो वो चेंज नहीं होगा, क्लियर? नहीं रहेगा तो वो रिलेटिव है। अच्छा अब मेरे को तुम लोग एक बात बताना, यहाँ पे मैंने क्या टाइप किया है, G4 एंड G5, G4 प्लस G5, ठीक है, G4 G5 है। अब जब मुझे इसे नीचे ड्रैग करना है तो नीचे ड्रैग करने से क्या चेंज होता है, रोज 4 और 5 ये चेंज होंगे, जी सेम रहेगा। तो हम लोग लॉजिकली मुझे बताओ, जब नीचे ड्रैग करना है तो मैं क्या एब्सोल्यूट रखूँगी, रोज़ को या कॉलम्स को? रोज़ को एब्सोल्यूट रखने से हो जाएगा काम। तो हम लोग सिंपली फोर के पहले, अगर फोर के पहले हम लोग डॉलर साइन ऐड कर दें, फाइव के पहले डॉलर साइन ऐड कर दें और फिर इसे ड्रैग करें, तो क्या ये 14 का 14 ही रहेगा? हाँ, क्योंकि सब जगह क्या आएगा, G4 और G5 ही आएगा। वाई? बिकॉज आई हैव मेड ओनली 4 एंड 5 एब्सोल्यूट। और जब इसे राइट ड्रैग करोगे तब ऑब्वियसली ये H4 और H5 हो जाएगा। तो जहाँ पे भी डॉलर साइन है वो वाला चीज़ एब्सोल्यूट है। फोर के पहले डाला है तो 4 एब्सोल्यूट रहेगा, कॉलम्स भले ही चेंज हो सकते हैं। सिमिलरली कॉलम के पहले लगा दोगे, जी के पहले लगा दोगे और फोर के पहले नहीं लगाओगे, तो वो जी कॉन्स्टेंट रहेगा, जी फिक्स रहेगा, रोज़ मेरे चेंज हो सकते हैं। दैट विल डिपेंड कि मेरे को क्या आउटपुट चाहिए, कैसे चाहिए, किसको फिक्स रखना है। ये सीखना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी बहुतों को लग रहा होगा कि ये बेसिक है, ये समझ आ गया, बहुत सिंपल है, बट देन जब हम लोग टेबल्स बनाते हैं तो उस समय बहुत जनों को कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि किसे हम बेसिक रख, किसे हम फिक्स्ड रखें एंड कैसे रखें। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स एग्जाम में बहुत हार्मफुल हो जाते हैं, बिकॉज हम लोग सोच लेते हैं कि हमें आते हैं। तो उसे समझना एंड अप्लाई करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि किसे हमें कॉन्स्टेंट करना है, किसे हमें फिक्स करना है। समझ में आया? एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग क्या होता है, दोनों एब्सोल्यूट हो जाते हैं, एच भी एब्सोल्यूट हो गया था, जी भी, फोर भी एब्सोल्यूट हो गया था। रिलेटिव इज दोनों एब्सोल्यूट नहीं है, H4 सिंपली, एंड मिक्स्ड रेफरेंसिंग इज ये जो हमने यूज़ किया, फोर के पहले खाली यूज़ किया, H के पहले खाली यूज़ किया, दैट इज मिक्स्ड रेफरेंसिंग। ऑब्वियसली ये सब डेफिनेशन नहीं पूछेगा, बट देन पता होना चाहिए। एंड अब एप्लीकेशन कैसे इसका है, क्या है, वो हम लोग जब तुम लोग सम्स करोगे तब और ईजीली समझ में आएगा। क्लियर हुआ? एकदम कहीं पर भी डाउट है एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग में, रिलेटिव में, मिक्स्ड में, क्लियर एकदम कैसे यूज़ होता है? ठीक है, अब हम लोग समझते हैं पे स्पेशल। पे स्पेशल, पे
स्पेशल क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे ध्यान देना एक बार सब लोग, फिर खुद से करते रहना ट्राई। मैंने यहाँ पे एक इक्वेशन डाला हुआ है, इसको चेंज कर देते हैं हम। मैंने यहाँ पे एक इक्वेशन डाला हुआ है जी फोर प्लस जी फाइव का फंक्शन डाला हुआ है, ठीक है। अब एक चीज़ देखना, कंट्रोल सी कॉपी कर रहे हैं सेल को, यहाँ पे पेस्ट कर रहे हैं, आउटपुट देखना 14 नहीं आया, जीरो आया। तो तुम लोग बताओ कि जब मैंने इसको कॉपी पेस्ट किया तो क्या कॉपी हुआ? फॉर्मूला, जो फंक्शन था, जो मेरा जी फोर प्लस जी फाइव था, अभी क्या हो गया यहाँ पे आई फोर प्लस आई फाइव, दो कॉलम्स चले गए ना राइट, तो जी से आई आ गया। इसीलिए जब कॉपी पेस्ट सिंपली करते हैं तो क्या कॉपी होता है? फंक्शन, वो फॉर्मूला, वो इक्वेशन, जो फॉर्मूला बाहर में आता है वो चीज़ कॉपी हो जाता है, ठीक है। पर मुझे क्या करना है, मुझे फंक्शन कॉपी नहीं करना है, मुझे ये 14 वैल्यू कॉपी पेस्ट करना है। तो इसे हम क्या कैसे कर सकते हैं? पेस्ट स्पेशल से सिंपली कंट्रोल सी कॉपी करो, पहले पहली बार देख लो फिर करना खुद से। कंट्रोल सी किया, कॉपी किया, ठीक है। थोड़ा डिफरेंट होगा अगर किसी का हायर वर्जन है तो, यहाँ पे होम टैब है, यहाँ पे पेस्ट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना, ये बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं। इसको समझना अभी के लिए थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, पेस्ट स्पेशल का एक ऑप्शन आ रहा होगा, उस पर जब क्लिक करोगे यहाँ देखना कि तुम्हें क्या क्या पेस्ट करना है। अच्छा, मैंने तो सेल ही नहीं सिलेक्ट किया, यहाँ पे थोड़ी पेस्ट करना है, हमें यहाँ पेस्ट करना है, तो वो सेल सिलेक्ट करना पड़ेगा ना जहाँ मुझे पेस्ट करना है, पेस्ट स्पेशल। अब मुझे ऑल बाय डिफ़ॉल्ट है, मतलब कि फंक्शंस कॉपी होंगे, मुझे वैल्यू सिर्फ कॉपी करना है, पेस्ट करना है, तो वैल्यू पे क्लिक करेंगे तो क्या पेस्ट होगा? 14 पेस्ट हो जाएगा, वो जो वैल्यू है, वो जो आउटपुट है मेरे सेल का, वो पेस्ट हो जाएगा। देख लो यहाँ पे वैल्यू, और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे, फॉर्मेट्स, कमेंट्स, वैलिडेशन, कुछ भी, जो हम लोग आगे धीरे धीरे सीखेंगे। एक सेल को अगर तुमने फॉर्मेटिंग कर रखा है तो वो फॉर्मेट कॉपी पेस्ट, सिर्फ वो फॉर्मेट ही कॉपी पेस्ट करना है, तो हम लोग सिर्फ पेस्ट स्पेशल यूज़ करके फॉर्मेट पेस्ट करेंगे, ठीक है। तो वैल्यू पे क्लिक किया, ओके किया, मेरा क्या आ गया? 14, क्लियर। फॉर्मेट एस्केप प्रेस करना तो ये वो जो लाइन आ रहा था वो चला जाएगा। ट्राई करो पेस्ट स्पेशल, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पेस्ट स्पेशल, सब लोग ट्राई कर लो। फॉर्मेटिंग ट्राई करना है तो सपोज मैंने इसको फॉर्मेट कर दिया, ये वाला जो पूरा फॉर्मेटिंग है, क्या क्या मैंने सेल को कलर किया, ये सेल को कलर करने का ऑप्शन होता है, ये टेक्स्ट को कलर करने का ऑप्शन होता है, और भी बहुत सारे कलर्स हैं, मोर कलर्स भी हैं, पर ये सब प्लीज़ करने मत बैठ जाना, ठीक है। तो मुझे इस सेल के फॉर्मेटिंग को कॉपी पेस्ट करना है, यहाँ पे क्या करेंगे सिंपली बताओ? पेस्ट स्पेशल, फॉर्मेट्स, ओके। अब यहाँ पे कुछ टाइप करो, रेड में आ रहा है, ठीक है। कर लो सब लोग ट्राई। पेस्ट स्पेशल, क्या क्या हो रहा था? तुम तो आया था तुम्हारे में फॉर्मूला बार, क्या हो रहा है तुम्हारा? तो तुमने पेस्ट वैल्यूज से किया है, तो तुम क्या करो, पेस्ट स्पेशल में जाओ, यहाँ से पे सिर्फ फॉर्मेट्स पे करो, तो सिर्फ वही फॉर्मेट हो। क्या हुआ तुम लोग का लैपटॉप एक ही है, शेयर कर रहे हो? ठीक है बाबा, ठीक है, ये मैं क्लास के बाद आना, मेरे पास तुम्हारे चेंज करना पड़ेगा, एडिट करना। तुम बताओ, फोर
फर्स्ट क्लास से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? स्नेहा, स्नेहा तो लैपटॉप ही, चलो आई वो देखो, ऑन करो देखो क्या होता है। वो भी हो जाए फंक्शन प्लस वो बाय डिफॉल्ट, तो सिर्फ इसीलिए वो करना होता है, तो इसीलिए पे स्पेशल करते हैं। क्या नहीं हो रहे हैं? पहले कॉपी करो ना, पहले इसे कॉपी करो, कंट्रोल सी, फिर यहाँ सपोज यहाँ पेस्ट करना है। ठीक है, योर्स इज 2007, एग्जाम में मत यूज़ करना। क्या क्या है मैम के पास? क्यों? तुम क्या की? कभी कुछ भी चार्ज करके लाते हैं? खुद को चार्ज करके लाए ना। अब देखो बेसिक फंक्शन और सीखते हैं आज के लिए, फिर कर करेंगे थोड़ा बहुत एक दो फंक्शंस, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही हो गया मेरे को लग रहा है तुम लोग के लिए, है ना? मतलब कोई बोल नहीं रहा, पर तुम लोग बहुत अच्छे बच्चे हो। जैसे लास्ट वाला बैच तो बहुत ही, तो यहाँ पे देखो अब हम लोग लॉजिकल फंक्शंस, लॉजिकल ऑपरेटर्स सीखेंगे कुछ कुछ। सबसे पहला इज एंड। तो ये जो लॉजिकल ऑपरेटर्स फंक्शंस होते हैं, लॉजिकल का मतलब क्या होता है? इसका आउटपुट हमेशा ट्रू या फॉल्स में आएगा, हमेशा। ठीक है, ट्रू या फिर फॉल्स और कुछ नहीं। ठीक है, तो जो फर्स्ट फंक्शन है मेरा एंड फंक्शन, एक्सप्लिसिटली ये कहीं यूज़ नहीं होता, फंक्शन के अंदर यूज़ होता है, एज इन दूसरे फंक्शंस के अंदर ये फंक्शन हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखना, अभी जो कोई पूछ रहा था केस सेंसिटिव, सो इफ आई टाइप एंड इन स्मॉल लेटर्स और इफ आई टाइप इट इन कैपिटल, इट्स द सेम थिंग, इट डजेंट मैटर। अगर तुम लोग स्मॉल में टाइप करते हो एंड एंटर करते हो, तो अपने आप देखना वापस वो कैप्स लॉक में अपने आप हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो वो फंक्शंस नेम केस सेंसिटिव नहीं है, पर बाद में आर्ग्यूमेंट्स के लिए इट इज़ केस सेंसिटिव। हम लोग देखते हैं अभी कैसे। तो यहाँ पे सब लोग देख लो। अच्छा, सबसे फर्स्ट फर्स्ट चीज़ करो, ये कॉपी कर लो डेटा पूरा जल्दी से, 2 मिनट एकदम टाइप कर लो इसे। मैंने क्या किया इसमें एडिटिंग यूज़ के देखो, ये सारा कलर्स मैंने बॉक्सेस को कलर किया है, ये सारा बॉक्सेस मैंने कलर किया है। एंड यहाँ पे ध्यान दो, ये सारे सेल्स को मैंने क्या किया है, मिडल अलाइन, सेंट्रली अलाइंड। क्या कैसे? ये वाला सेंट्रली अलाइंड, लेफ्ट अलाइंड, राइट अलाइंड, मैंने सेंट्रली अलाइन किया। ठीक है, सिंपल करो जल्दी से टाइप, 2 मिनट लगना चाहिए, टाइपिंग स्पीड इंक्रीज। आज से डेली बैठना और 1 मिनट तक टाइप करके ट्रैक करना कितना वर्ड्स तुम लोग टाइप कर पा रहे हो इन 1 मिनट। बहुत कोई कोई इंटरव्यूज में इस चीज़ का भी टेस्ट होता है, कि ऑब्वियसली नॉट इन एक्चुअल फील्ड आई डोंट थिंक, कोई कोई जैसे मार्केटिंग एंड ऑल में, एचआर में, दे टेस्ट कि 1 मिनट में आप कितने वर्ड्स टाइप कर पा रहे हो, टाइपिंग स्पीड चेक होता है। हाँ, उनके लिए भी होता है, एचआर और मार्केटिंग में जो जाते हैं बहुत कंपनीज, उनका भी टेस्ट लेते हैं, बिकॉज उन्हें बहुत कंटेंट राइटर्स, उनका भी होता है एक पार्ट, मतलब राउंड्स होते हैं ना बहुत सारे, तो उसका एक ये राउंड होता है, 1 मिनट में आप कितना टाइप कर पाते हो। बना लिया डेटा सबने? ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे चलेगा
एक्यूरेट नंबर्स डालने का ज़रूरत नहीं है, 90 का 80 भी हो सकता है, वो सब चीज़ चलेगा। बस ये ऐसा फॉर्मेट बना लो, एकदम सेम नंबर्स डालने का ज़रूरत नहीं है। मेल फीमेल भी ऊपर नीचे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। किया सबने? तुम लोग का हो गया सबका? तुम्हारा हुआ? गौरव, गौरव नाम है तुम्हारा? मयूर, अभी तुम रेगुलर आना क्लास में, और तुम भी ठीक है? देखते हैं कितना दिन आते हैं। और सैटरडे संडेज तो होंगे ही क्लास, तो अभी से आज से प्लान बनाना छोड़ दो सैटरडे संडे का। इवनिंग में बना सकते हो, बट देन सैटरडेज को बहुत बार इवनिंग में भी हो सकते हैं क्लासेस, तो ट्राई करो कि प्लान्स। कहाँ पे? अच्छा, तो जहाँ पे ये आ रहे हैं ना, देखना ये सारे नंबर्स को सिलेक्ट करो। यहाँ पे नंबर एक बॉक्स है मेरा, इसमें जनरल में जाके मतलब इस पर क्लिक करके जनरल कर दो, तो चेंज हो जाएगा नंबर में। अभी आया क्या? सिंपली ये जनरल कर दो इसे। सबका बन गया। अब देखो एंड फंक्शन, बहुत ही बेसिक, बहुत ही इजी सा फंक्शन है। अब एक फंक्शन को जब हम लोग लिखते हैं, सबसे पहला इक्वल टू साइन, दूसरा ऑब्वियसली फंक्शन का नाम, फंक्शन का नाम क्या है, एंड फंक्शन का नाम, ब्रैकेट ओपन किया ब्रैकेट। अच्छा, जब फंक्शन का नेम लिखते हो तो यहाँ पे देखना उसका एक डिस्क्रिप्शन भी साथ में आ जाता है। ब्रैकेट ओपन किया, इसके अंदर हम लोग अपने आर्ग्यूमेंट्स को डालते हैं, तो फंक्शन का नेम ब्रैकेट्स के अंदर वी पुट आर्ग्यूमेंट्स। ऑब्वियसली सिर्फ फंक्शन का नेम लिख के छोड़ दोगे, आगे क्या करना है एक्सेल को थोड़ी पता है, बताना पड़ेगा ना कि क्या मेरा आर्ग्यूमेंट्स है। आर्ग्यूमेंट्स आर द इनपुट्स और द पैरामीटर्स, कुछ भी समझो। तो बेसिकली हम लोग इस आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं इसे। कुछ कुछ होते हैं कंपल्सरी आर्ग्यूमेंट्स, एंड कुछ कुछ होते हैं टेम्प्रेरी या फिर विच आर नॉट कंपल्सरी आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है? तो यहाँ पे अगर दिखेगा आपको, ये देखना लॉजिकल टू जो है ब्रैकेट्स में है, तो जो आर्ग्यूमेंट्स ब्रैकेट में होते हैं दोज आर नॉट कंपल्सरी, तो वो टाइप नहीं भी करोगे तो भी कुछ आउटपुट आ सकता है। क्लियर हो रहा है? तो लॉजिकल वन एक आर्ग्यूमेंट तो डालना ही पड़ेगा मुझे, बाकी उसके आगे डालो नहीं डालो डिपेंड्स ऑन यू, ऑन योर वर्क। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, तो मुझे कुछ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स डालने हैं। बेसिकली क्या, सपोज मुझे देखना है कि किन सारे स्टूडेंट्स का मैथ्स और इंग्लिश दोनों में मार्क्स अबव 80 है, ग्रेटर दैन इक्वल टू 80 है। ग्रेटर दैन और ग्रेटर दैन इक्वल टू आर टू डिफरेंट थिंग्स, ठीक है? ये सब चीज़ का समझ में आना चाहिए। एक बार देख लो सब लोग, फिर करना। एंड तो मेरा फर्स्ट लॉजिकल और फर्स्ट मेरा लॉजिकल स्टेटमेंट या आर्ग्यूमेंट क्या होगा, मैंने क्या सिलेक्ट किया, आयुष का मैथ का मार्क्स सिलेक्ट किया, दिस शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 80, ठीक है? दिस इज़ माई फर्स्ट लॉजिकल टेस्ट। अगर ये ट्रू है तो मेरा आउटपुट क्या आएगा, ट्रू। अगर ये फॉल्स है तो मेरा आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स। एंड फंक्शन का आउटपुट कैसे आता है, ट्रू या फॉल्स में आता है, ठीक है? एक और मुझे डालना है, ये ज़रूरी नहीं है, बट देन मेरा जैसा जो क्वेश्चन मांगे वैसा मुझे करना है। इंग्लिश का मार्क्स सेलेक्ट किया आयुष का, ग्रेटर दैन इक्वल टू 80, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है? दो आर्ग्यूमेंट्स, दो स्टेटमेंट्स, इसका आउटपुट आयुष के लिए क्या आना चाहिए? दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं क्या, ये भी और ये भी? आउटपुट क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है, ट्रू आया। एक बार टाइप कर लो ये, फिर हम लोग सीखते हैं आगे।
सबका आया है यहाँ तक? करेंगे, तुम बताओ एंड का क्या मतलब है? सारा ट्रू होना चाहिए तभी ट्रू आएगा, एक भी फॉल्स हुआ तो फॉल्स। ठीक है, अब इसे जब हम लोग नीचे ड्रैग करते हैं, इसे जब हम लोग नीचे ड्रैग करते हैं, अच्छा तुम्हारा ड्रैग नहीं हो रहा ना, तो अभी हम लोग ने पे स्पेशल सीख लिया है, कॉपी पेस्ट करूं? तो क्या अब हर एक सेल में मत जाके पेस्ट करना, इसको कॉपी करना कंट्रोल सी, ये सारे सेल्स को सिलेक्ट करके कंट्रोल वी पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आओ देखो, इस वाले के लिए, रिया के लिए मैथ्स में मार्क्स कितना है? 88। इंग्लिश में कितना है? 69। तो दिस इज़ ग्रेटर दैन 80, बट दिस इज़ नॉट ग्रेटर दैन 80, तो मेरा आउटपुट क्या आ रहा है? फॉल्स। तो एंड फंक्शन का क्या मतलब है? जितने एक से ज़्यादा, हमने यहाँ पे सिर्फ दो स्टेटमेंट्स डाले, आप लोग दो से ज़्यादा भी स्टेटमेंट्स डाल सकते हो, तो जितने ज़्यादा स्टेटमेंट्स डालो वो सारे स्टेटमेंट्स अगर ट्रू है सारे, तो ये आउटपुट ट्रू आएगा, एक भी उनमें से अगर फॉल्स हुआ तो आउटपुट क्या आ जाएगा? फॉल्स। ये समझने का बात है। आगे हम लोग एंड फंक्शन एक्सप्लिसिटली बहुत कम यूज़ करेंगे, हम लोग इसको दूसरे फंक्शंस के अंदर यूज़ करते हैं, तो ये पता होना चाहिए। क्लियर हुआ एंड कैसे होता है? सारे स्टेटमेंट्स शुड बी ट्रू। सेम चीज़ सेम फंक्शन, आप लोग सबका आ गया था ना एंड, सबने लिख लिया था ना, तरीका देख लिया था ना? मैंने क्या किया है यहाँ पे, कौन सा रेफरेंसिंग यूज़ किया है? रिलेटिव B23। तो जब नीचे ड्रैग करोगे तो B24 हो जाएगा वो। ठीक है, अब सेम चीज़ और के लिए करते हैं, सेम सेम आर्ग्यूमेंट्स डालेंगे अंदर। ग्रेटर दैन इक्वल टू 80, इंग्लिश का ग्रेटर दैन इक्वल टू 80। एकदम सेम आर्ग्यूमेंट्स डालने हैं आपको एंड इससे फिर हम ड्रैग करेंगे। आया सबका? नहीं आ रहे? क्या नहीं आ रहे? कहीं और कॉमा या कुछ? वहाँ है बैक के नीचे। ये नहीं है तुम्हारा ब्लैक बैग? और देखो और फंक्शन, अब यहां देखो इसका आउटपुट देखो कैसे आ रहा है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंड एंड और? एंड में क्या चाहिए मुझे? सारे जैसे सेम है, और ऑपरेशंस में भी और फंक्शन में भी हम अंदर क्या डालते हैं? लॉजिकल स्टेटमेंट्स डालते हैं। एंड में क्या है? सारे स्टेटमेंट शुड बी ट्रू, तभी आउटपुट क्या आएगा? ट्रू। और में क्या है? एक भी अगर ट्रू हुआ तो आउटपुट क्या आएगा? ट्रू। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या डिफरेंस है देखो, हम रिया का देख रहे थे, इसमें फॉल्स आ रहा था, वाई? बिकॉज इंग्लिश का मार्क्स वॉज लेस दैन 80, पर यहाँ पे ट्रू इसीलिए आ रहा है बिकॉज एक में इट इज़ ग्रेटर दैन, मैथ्स के लिए इट इज़ ग्रेटर दैन 80। इसका क्या मतलब है? सारे लॉजिकल ऑपरेशन में से अगर एक भी लॉजिकल ऑपरेशन ट्रू है, बाकी सारे फॉल्स हो, तो आउटपुट क्या आएगा? ट्रू आएगा। एंड में क्या है? सारे ट्रू होंगे तभी ट्रू आएगा, एक भी फॉल्स हुआ तो फॉल्स। एंड और में ऑब्वियसली सारे ही फॉल्स है तो आउटपुट फॉल्स आएगा, पर अगर एक भी ट्रू है तो आउटपुट क्या आएगा? ट्रू। प्लीज़ कन्फ्यूज मत हो, किसी को अगर कन्फ्यूजन हो रहा है इस कॉन्सेप्ट में तो हाथ उठा लो। एंड का क्या मतलब है? सारे शुड बी ट्रू तभी आउटपुट ट्रू आएगा। और का क्या मतलब है? एक भी अगर ट्रू है तो आउटपुट ट्रू आएगा। क्लियर क्लियर क्लियर। नेक्स्ट फंक्शन, नेक्स्ट नॉट फंक्शन। नॉट ट्रू क्या होता है? फॉल्स। नॉट फॉल्स क्या होता है? ट्रू। तो वही चीज़ करेंगे हम लोग यहाँ पे, नॉट
देखना यहाँ पे लॉजिकल, मतलब कि एक ही लॉजिकल ऑपरेशन, एक ही लॉजिकल टेस्ट डाल सकते हो, एक से ज़्यादा डाल सकते हैं क्या? प्रोविजन ही नहीं है, डालोगे कॉमा करके तो एरर आएगा, है ना, तो वो डाल ही नहीं सकते। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हम लोग का एज, हम लोग का जेंडर मेल है या फीमेल है, नहीं, अच्छा ठीक है वो देखते हैं। इक्वल टू, जब हम टेक्स्ट, अब यहाँ पे केस सेंसिटिव वाला चीज़ आ जाएगा, देखना मुझे देखना है कि फीमेल है कि नहीं, ठीक है, मेल लिखें क्या कि फीमेल लिखें, फीमेल लिखते हैं, तो देखते हैं कि फीमेल है कि नहीं। तो यहाँ पे कैपिटल एफ, मैंने इसको कैसे लिखा है, एफ को कोटेशंस में लिखा है, कोटेशंस में क्यों लिखा है, कोई भी टेस्ट स्ट्रिंग जब लिखते हैं तो वो हमेशा कोटेशंस में लिखते हैं। जब हम लोग आर्ग्यूमेंट में, ये मेरा एक आर्ग्यूमेंट हुआ ना, इनपुट हुआ ना, तो फंक्शन के कोई भी एक आर्ग्यूमेंट में जब हम टेक्स्ट स्ट्रिंग देते हैं तो उसको कैसे लिखते हैं, कोटेशंस में, और मैंने क्या यूज़ किया, कैपिटल एफ, क्योंकि यहाँ पे मैंने कैपिटल एफ यूज़ किया है। स्मॉल एफ करोगे तो नहीं, हाँ स्मॉल किया तो स्मॉल करोगे, तो ये क्या हो गया, केस सेंसिटिव हो गया एक्सेल, ठीक है। ट्रू आ रहा है, क्यों ट्रू आ रहा है, नॉट फीमेल, बेसिकली दिस इज ट्रू या फॉल्स, दिस इज फॉल्स, तो नॉट फॉल्स क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। जहां जहां भी फीमेल है वहां पे क्या आ गए, फॉल्स। तो नॉट, ये भी एक्सप्लिसिटली नहीं यूज होते, फंक्शंस के अंदर यूज करते हैं पर यूज आता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो जाएगा। नॉट ट्रू इज फॉल्स, नॉट फॉल्स इज ट्रू, क्लियर हुआ ये वाला? ये क्या मैंने यूज किया यहाँ पे, टेस्ट स्ट्रिंग कोटेशंस में, एंड एफ मैंने यहाँ पे कैपिटल यूज किया था, तो यहाँ पे भी कैपिटल यूज करना पड़ेगा, स्मॉल करते तो एरर आता, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? एंड और नॉट, बस अब दो फंक्शन और करेंगे। इफ फंक्शन, सबसे 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो बहुत 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 यूज़ करेंगे, ठीक है। तो तुम लोगों को अगर लिखना है तो लिख लो, ये इसीलिए मैंने इफ फंक्शन का आर्ग्यूमेंट्स अलग से लिखा है, बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर CM1, मतलब बहुत यूज़ करेंगे इसे, तो अगर लिखना है तो लिख लो, वरना मत, नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, वाई, बिकॉज यहाँ पे लिखा हुआ आ ही जाता है। तो बेसिकली इफ फंक्शन क्या होता है, ये भी एक लॉजिकल ऑपरेटर है, इसके अंदर क्या होता है, पहला आर्ग्यूमेंट हम लोग क्या यूज़ करते हैं, लॉजिकल टेस्ट, पहला क्या है लॉजिकल टेस्ट, मतलब वही लॉजिकल स्टेटमेंट जो हम लोग अभी तक कर रहे थे, एंड में, और में, नॉट में, कोई भी एक लॉजिकल स्टेटमेंट, अगर वो लॉजिकल स्टेटमेंट ट्रू है, अगर वो लॉजिकल स्टेटमेंट ट्रू है तो मुझे एक पर्टिकुलर वैल्यू चाहिए, तो वो वैल्यू मुझे क्या चाहिए, वो एज एन आर्ग्यूमेंट मुझे डालना पड़ेगा। अगर वो स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसके बदले मुझे क्या आउटपुट चाहिए, वो यहाँ पे है। एक चीज़ समझना, यहाँ पे एक बार देख लो, सपोज एक नॉर्मल इक्वेशन लेते हैं, अगर एज इज ग्रेटर देन 18, ग्रेटर देन इक्वल टू 18, इफ़ द एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, तो मुझे ट्रू वैल्यू में उसका नेम चाहिए, एज इन अगर एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 तो मुझे उसका एज चाहिए, अदरवाइज मुझे ब्लैंक चाहिए, कुछ नहीं चाहिए उधर, ठीक है। तुम लोग बताओ लॉजिकल टेस्ट में क्या डालें, बताओ कौन से सेल को सिलेक्ट करें, एज वाले सेल को सिलेक्ट किया, ग्रेटर देन इक्वल टू 18, यहाँ पे कोटेशंस यूज करना है क्या, नहीं, क्योंकि टेक्स्ट कुछ है नहीं, 18 है, कॉमा। अब यहाँ देखना एक बार सब लोग, वैल्यू इफ ट्रू और वैल्यू इफ फॉल्स में क्लास में नहीं आएगा, वैल्यू इफ ट्रू एंड वैल्यू इफ फॉल्स में ब्रैकेट्स में है, देख रहे हो, तो इट इज व्हाट, नॉट कंपल्सरी, तो अगर हम लोग नहीं भी डालेंगे तो आउटपुट क्या आएगा, एनी आइडिया, ट्रू, ओके।
करना पड़ेगा। ठीक है, इसको देखते हैं हम लोग। पर अगर हम लोग कोई, तुम लोग कॉमा देके अगर नहीं डाल रहे हो कोई भी आर्ग्यूमेंट्स, तो उसका आउटपुट ट्रू या फॉल्स आएगा। अगर मेरा स्टेटमेंट ट्रू है तो आउटपुट विल बी ट्रू, अगर मेरा स्टेटमेंट फॉल्स है तो आउटपुट विल बी फॉल्स। सिंपल। पर इफ फंक्शन क्यों यूज़ करते हैं? इसीलिए यूज़ करते हैं क्योंकि मेरे को एक पर्टिकुलर आउटपुट चाहिए, वरना तो हम लोग एंड फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, देखो, इफ़ द एज इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 18, तो मेरे को क्या आउटपुट चाहिए था? उसका नाम चाहिए था। तो क्या कर सकते हैं, ये वाला सेल सेलेक्ट करेंगे ऑब्वियसली। टाइप तो करोगे नहीं तुम लोग यहाँ पे आयुष, बिकॉज जब नीचे ड्रैग करोगे तो सब जगह आयुष आयुष आ जाएगा, है ना? जहाँ पे भी ट्रू होगा वहाँ पे आयुष आ जाएगा। पर मुझे आयुष नहीं चाहिए, मुझे उसका नेम चाहिए। तो नेम, अदरवाइज मुझे ब्लैंक चाहिए। तो ब्लैंक के लिए ब्लैंक छोड़ना नहीं है, कोटेशन, डबल कोटेशन मार्क डालना है, डबल कोटेशन मार्क डालना है। इसका मतलब है कि वहाँ पे ब्लैंक आएगा। देख लो पूरा फंक्शन, जहाँ जहाँ पे भी एज इज 18 और ग्रेटर देन 18, वहाँ पे जो ट्रू वैल्यू, मतलब वहाँ पे जो नेम है, इफ़ इट इज़ ट्रू तो उसका नाम आ जाएगा, इफ़ इट इज़ फॉल्स तो वहाँ पे क्या आ जाएगा? ब्लैंक। यहाँ पे उसका नेम आ रहा है, जहाँ जहाँ पे भी ब्लैंक आया इसका मतलब वहाँ पे एज इज नॉट इक्वल टू और ग्रेटर देन 18। क्लियर? इफ फंक्शन बेसिक, पहला इज लॉजिकल टेस्ट, देन अगर वो ट्रू है तो ट्रू वैल्यू, फॉल्स है तो फॉल्स वैल्यू। अब तुम लोग मेरे को बताओ, बहुत ही इजी सा है ये। यहाँ पे हम लोग क्या डाल रहे हैं? एक लॉजिकल टेस्ट डाल रहे हैं ना, तो क्या इसके बदले हम क्या यहाँ पे एक एंड फंक्शन, इफ फंक्शन, सॉरी और फंक्शन, नॉट फंक्शन यूज़ कर सकते हैं? कर सकते हैं, इनफैक्ट इफ फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। एक नेस्टेड इफ होता है, हम लोग निफ इफ के अंदर और एक इफ, उसके अंदर एक और इफ, वो पूरा भी यूज़ करते हैं। पर वो नहीं है हमारे सिलेबस, एज इन कहीं यूज़ नहीं आते फ्यूचर में, तो हम अभी के लिए नहीं करते हैं। कभी आया तो हम लोग सीख लेंगे, वो भी बहुत ईजी है। ठीक है, तो क्या इस लॉजिकल टेस्ट में हम एंड और नॉट यूज़ कर सकते हैं? आराम से कर सकते हो यूज़, है ना? तो क्या करोगे, सिंपली देखो, अब मुझे एक क्राइटेरिया चाहिए कि एज तो 18 एंड अबव है, उसमें इंग्लिश का मार्क्स भी उसका 90, 80 और अबव होना चाहिए, तो उसका नेम मुझे चाहिए। तो बेसिकली दो लॉजिकल टेस्ट हम यूज़ करें, क्या? एज शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 18 एंड इंग्लिश का मार्क्स शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 80। तभी अगर ये दोनों ट्रू है तो मुझे क्या चाहिए? नेम चाहिए वैल्यू इफ ट्रू में, अदरवाइज ब्लैंक चाहिए। तो कौन सा यूज़ करेंगे फंक्शन? और की एंड। क्यों एंड? बिकॉज दोनों ट्रू चाहिए। और में क्या होता, एक भी ट्रू होने से आउटपुट आ जाता, पर मुझे दोनों ट्रू चाहिए तो हम एंड फंक्शन यूज़ करेंगे। ये समझना इम्पॉर्टेंट है। अभी तुम लोग की हो तो अभी तुम लोग बोल दिए एंड, पर बाद में बहुत जनों को कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा करें, एंड करें कि और करें। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली तुम लोग बताओगे, इफ लॉजिकल टेस्ट में क्या डालें? एंड, कुछ नहीं करना है, एंड फंक्शन यहाँ पे लिखना है। पहला लॉजिकल टेस्ट इज एज शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 18, दूसरा लॉजिकल टेस्ट इज इंग्लिश का मार्क्स शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 18। अब यहाँ देखना एक्सेल कितना अच्छा है, कितना अच्छे से मुझे बता रहा है। ग्रीन ब्रैकेट डाला उसने एक, तो ये ग्रीन ब्रैकेट ओपन किया तो ग्रीन ब्रैकेट क्लोज किया, ये समझना इज इम्पॉर्टेंट। अगर ब्रैकेट क्लोज नहीं करते हो तो एरर आ जाएगा। तो जब तुम लोग देख रहे हो कि ग्रीन ओपन हो रहा है तो ग्रीन क्लोज भी हो गया, तो ऐसे समझना। जब हम लोग तीन चार फंक्शन साथ में यूज़ करते हैं, यहाँ पे हमने सिर्फ दो यूज़ किए, एक से ज़्यादा तीन चार फंक्शन यूज़ करते हैं, तो ये ब्रैकेट वाला कन्फ्यूजन नहीं आता फिर, बिकॉज वो कलर्ड ब्रैकेट्स रहते हैं। वैल्यू इफ ट्रू, नेम फॉल्स में ब्लैंक, देख लो सब लोग। तो अगर ये मेरा आउटपुट ट्रू कब होगा? जब दोनों वैल्यूज ट्रू होंगे, और जब जो दोनों वैल्यूज ट्रू होंगे तब मेरे को क्या मिलेगा? उसका नाम, अदरवाइज ब्लैंक। और यही कंडीशन ऐसा होता कि दोनों में से एक कंडीशन ट्रू चाहिए तो हम लोग एंड की जगह और यूज़ करते हैं। हाँ, अगर कुछ नहीं डालोगे तो वो ट्रू फॉल्स आएगा, इसीलिए वो ब्रैकेट्स में है।
नॉट अ कंपल्सरी आर्ग्यूमेंट, ठीक है? तो ये देखो, आयुष एंड मीता, मतलब इनके लिए एज इज 18 एंड अबव एंड इंग्लिश का मार्क्स इज 80 एंड अबव। क्लियर हुआ कैसे किए इफ फंक्शन? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड और नॉट एक्सप्लिसिटली कहीं नहीं आता, बट पता होना चाहिए कि क्या यूज है। एंड इफ फंक्शन जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर वी यूज एंड। तुम लोग घर पे और भी ट्राई कर सकते हो, अगर तुम लोगों को ट्राई करना, तुम लोग इफ के अंदर एक और इफ भी ट्राई करके देख सकते हो, ठीक है? ठीक है। अभी इतना ही करते हैं, कल हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, और फंक्शंस हैं, और फिर मैंने प्रैक्टिस शीट्स बनाए हैं, तो आज तो तुम लोग नहीं कर पाओगे, कल जब क्लास हो जाएगा हमारा, उसके बाद यू कैन गो फॉर द प्रैक्टिस शीट। घर पे करना उसे प्रैक्टिस, आज ये सारा रिवाइज करके आना, शीट तो बना हुआ है तुम लोग का, तो सारा रिवाइज करके आना, एक बार देख के आना, गो थ्रू, 15-20 मिनट्स लगेगा। कल जब हम लोग करेंगे क्लास, उसके बाद यू कैन गो फॉर द प्रैक्टिस शीट, उसको हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे, ठीक है?